हमीरपुर से आ रही है बड़ी खबर। 2,81,000 रुपए की लूट कारित करने वाले चोरों को पुलिस ने किया पर्दाफाश। लूट कारित करने वाले 4 अंतरराज्यीय अभियुक्त तो पुलिस की हिरासत में। 21 तारीख को सुमेरपुर थाना क्षेत्र में की गई थी लूट। गिरफ्तार हुए चारों अभियुक्तों के पास से लूटी गई रकम 2,46,000 रुपए नगद, 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद तमंचा 12 बोर, मैं कारतूस के साथ लैपटॉप व अन्य सामान भी हुआ बरामद। गिरफ्तार चारों अभियुक्त सुमेरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल में सवार 4 अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर करते हुए किया था भागने का प्रयास। अपर पुलिस अधीक्षक ने किया मामले का खुलासा। देखिए, ये घटना जो है कस्बा सुमेरपुर और थाना अंतर्गत सुमेरपुर की है। इसमें शीतल प्रसाद जिनकी सुविधा केंद्र की जो है दुकान थी और ये रात्रि में 9 बजे करीब अपने घर को जा रहे थे। इनके साथ इनका साथी जा रहा था जो जिसने घटना की मुखबिरी कराई थी और इनके साथ जो है 4 व्यक्तियों ने 4 युवकों ने जो है मारपीट की और इनको जो है उलझाए रखा और उसी बीच में कोई इनके जो है जिसमें 2,81,000 रुपये और लैपटॉप चार्जर एटीएम कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स और दुकान की चाबी वगैरह थी वो लेकर के वो चले गए। जिनको थोड़ी देर में ये जानकारी हुई कि इनका बैग और उसमें जो रखे सामान था और रुपये थे वो चले गए हैं। इस पर इनके द्वारा सूचना दी गई और तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें जो है हमारी SOG टीम और थाने की टीम ने बहुत सराहनीय काम किया और मुखबिर की सूचना पर इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अभी 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। इसमें 2,81,000 रुपये जो गए थे उसमें से 2,46,000 रुपये की बरामदगी कर ली गई है और लैपटॉप का बैग चार्जर आदि भी बरामद कर लिया गया है। इन अभियुक्तों के खुद आवश्यक कार्रवाई की गई है। इनका मेडिकल वगैरह करा करके इनको जो है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।